Now we are going to discussing about electricity generation using wind energy. See, the kinetic energy in wind has been used since long for lifting of water, for driving flour mill etc. विंड एनर्जी का बहुत ईयर्स एगो यूज़ किया जा रहा है किसी और चीज़ के लिए, लाइक लिफ्टिंग ऑफ वाटर. मीन्स वेल होती है ना, वेल विलेज में तो वेल होती है ना, लाइक कुआ. कुआ पता है आपको, वेल. ओके, तो विलेज में तो वेल से पानी निकालने के लिए पहले लोग विंड एनर्जी का यूज़ करते थे. ओके, सो द विंड एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. और ये जो विंड एनर्जी है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड एनर्जी. वी आर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी. हम जो पवन चक्की बोलते हैं ना, बचपन में अपने पढ़ा होगा अबाउट द पवन चक्की. सो यही है वो विंड एनर्जी. यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम. दिस इज अ पवन चक्की, दिस इज अ विंड मिल. ओके, सी द मशीन विच कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड विंड टर्बाइन. विंड में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है. तो ये एक मशीन काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है. ओके, दैट मशीन इज कॉल्ड एज अ विंड टर्बाइन. तो फैन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ विंड टर्बाइन. आपको ये डायग्राम में फैन जैसा दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लेड्स. ओके, वो ब्लेड्स है. ओके, उसके अंदर एक टर्बाइन होता है. ओके, और वो टर्बाइन को क्या कहते हैं, दैट मशीन इज कॉल्ड एज अ विंड टर्बाइन. सो एज द विंड स्ट्रीक्स द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन, द ब्लेड रोटेट. दिस इज अ एयर. यहाँ पे लिखा है ना एयर. ओके, सो एयर. ओके, सो ये एयर है. तो एयर मीन्स हवा. जब जोर से आती है हवा, जब जोर से आती है, तो ये विंड टर्बाइन है. ग्रे कलर में फैन है, वो क्या होता है, रोटेट होने लगता है जब जोर से हवा आती है. तो ये विंड टर्बाइन मीन्स जो ग्रे कलर के जो फैन है ना, ब्लेड्स, वो क्या होता है, रोटेट होने लगता है विद द हेल्प ऑफ एयर. ये जो हवा आती है ना, उससे ये फैन मीन्स विंड टर्बाइन घूमने लगता है. आफ्टर दैट एक्सिल, ये आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है, दैट इज अ एक्सिल. सो द एक्सिल ऑफ द टर्बाइन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर थ्रू अ गियर बॉक्स. ये एक्सिल किसको कनेक्टेड होता है, गियर बॉक्स को कनेक्टेड होता है. यू कैन सी द लेबलिंग ऑफ डायग्राम. द फंक्शन ऑफ द गियर बॉक्स इज टू इंक्रीज द रोटेशन पर यूनिट टाइम. ओके, गियर बॉक्स क्या करता है, इसके रोटेशन को इंक्रीज करता है. और ये गियर बॉक्स देखो किसको कनेक्टेड है, सी जनरेटर को कनेक्टेड है ना ये गियर बॉक्स. ओके, तो ये गियर बॉक्स जनरेटर को कनेक्टेड है, और ये जनरेटर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है. ओके, सो दस द रोटेटिंग ब्लेड्स ड्राइव द टर्बाइन, एंड द टर्बाइन इन टर्न ड्राइव द जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सी, एयर में जो काइनेटिक एनर्जी है वो ब्लेड को रोटेट करती है, टर्बाइन को रोटेट करती है. फिर ये टर्बाइन, आफ्टर दैट ये टर्बाइन किसको रोटेट करता है, जनरेटर में जो मैग्नेट है या फिर कंडक्टर होगा, दोनों में से एक को रोटेट करता है. इसके वजह से ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है. सी, सबका मैकेनिज्म एक ही है, और वो किसने इन्वेंट किया था, That we already know. Name of the scientist is Michael Faraday. सबका mechanism एक ही है, सबका principle एक ही है, that is the electromagnetic induction. जो invent किया था Michael Faraday ने, okay? Electromagnetic induction. But जो use कर रहे हैं, means thermal power plant में हमने क्या देखा था, coal use किया था, water को boil करते हैं, after that steam generate हो जाता है, with the help of steam turbine को rotate किया जाता है. thermal power plant के बाद क्या देखा था हमने, nuclear power plant देखा था, उसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम यूज़ किया था. आफ्टर दैट हमने नेचुरल गैस देखा था, नेचुरल गैस को बर्न करके वाटर को बॉयल किया जाता है, आफ्टर दैट स्टीम क्रिएट होती है, और आगे यू नो विद द हेल्प ऑफ स्टीम टर्बाइन को क्या करता है, रोटेट करते हैं. मीन्स सब में क्या है, सेम मैकेनिज्म है. फर्स्ट क्या करने का, वाटर बॉयल करने का, स्टीम क्रिएट होने के बाद टर्बाइन को रोटेट करने का. टर्बाइन जनरेटर में जो मैग्नेट है उसको रोटेट करता है, देन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है. मीन्स ये सेम मैकेनिज्म यूज किया है सब में. ओके, सब इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में ये सेम प्रोसेस यूज किया है सब में. बट अभी हमने क्या देखा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ओके, ये कंसेप्ट में वाटर का जो फोर्स होता है, फ्लो होता है, उसको यूज किया गया है. ओके, यहाँ पे किसी को बर्न किया है,
नहीं, यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर वेस्ट है? नहीं, यहाँ पे स्टीम क्रिएट हो रही है? नहीं, तो यहाँ पे वाटर के फ्लो को यूज किया है। वाटर के यूज से टरबाइन घूमने लगता है, टरबाइन रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो जाती है। अभी यहाँ पे क्या यूज करते हैं? हवा। ओके, अभी देखा ना आपने विंड एनर्जी, आपने देखा ना? ओके, तो अभी यहाँ पे विंड एनर्जी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो एनर्जी के लिए हम वाटर यूज कर रहे थे, अभी विंड एनर्जी को हम क्या यूज कर रहे हैं? हवा। ओके, एयर। हवा जो विंड है उसको यूज कर रहे हैं ब्लेड्स को रोटेट करने के लिए। सबका मैकेनिज्म एक ही है, सिर्फ टर्बाइन को रोटेट करने के लिए जो जो हम यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट है। ओके, सबसे क्या होने वाला है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली, लेकिन जो टर्बाइन होता है उसको रोटेट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वेज यूज कर रहे हैं। ओके, कभी थर्मल पावर प्लांट, कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट, देन नेचुरल गैस यूज किया था, देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे टर्बाइन को रोटेट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप की एनर्जी यूज करते हैं। ओके, अभी विंड एनर्जी के लिए हमने क्या यूज किया? विंड मतलब हवा यूज किया। ओके, एयर यूज किया। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने क्या यूज किया था? वाटर का फ्लो यूज किया था। नेचुरल गैस में नेचुरल गैस यूज किए थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम प्लूटोनियम यूज किया था। थर्मल पावर प्लांट में हमने क्या यूज किया था? कोल यूज किया था। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस है। ओके, बट ये किसके लिए है? टर्बाइन को रोटेट करने के लिए हमने ये सब यूज किया था। सबसे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बट उसके वेज कैसे है? डिफरेंट डिफरेंट है। नाउ द नेक्स्ट इज स्टेजेस इन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। सो देखो, विंड विद रिक्वायर वेलोसिटी, देन विंड टर्बाइन विद लार्ज फिन्स, फाइंस जनरेटर एंड देन इलेक्ट्रिक एनर्जी। हवा कैसी चाहिए उसको? ज्यादा स्पीड से चाहिए। वेलोसिटी मीन्स ज्यादा स्पीड से। ज्यादा स्पीड से चाहिए। तो ये एयर ज्यादा तेज कहाँ पे होती है पता है आपको? कहाँ पे भी होती है क्या एयर? हवा ज्यादा बहुत ज्यादा कहाँ पे भी आती है क्या? नहीं, जहाँ माउंटेन एंड ऑल होता है ना वहाँ पे ज्यादा एयर होती है। ज्यादा जोर से हवा आती है। आप कभी सी साइड पे गए हो तो आपको वहाँ पता चलेगा कि कितना जोर से एयर आती है। वहाँ पे एयर की, विंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। देन देखो, विंड टर्बाइन विद द लार्ज फाइंस। तो ये विंड टर्बाइन क्या करता है? जो टर्बाइन होता है उसको रोटेट करता है, फैन जो होता है उसको रोटेट करता है। आफ्टर दैट जनरेटर, ये जनरेटर में जो मैग्नेट होता है उसको घुमाता है और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो जाती है। सो दिस इज द स्टेज इन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। देखा ना आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल विंड विंड विथ रिक्वायर वेलोसिटी। विंड को क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए, ज्यादा स्पीड चाहिए। ज्यादा स्पीड होगा कहाँ पे होगा? माउंटेन और सी साइड पे होगा। ज्यादा स्पीड होगा विंड को, हवा को, तो क्या होगा? टर्बाइन जो है वो क्या करेगा? रोटेट होने लगेगा। टर्बाइन रोटेट होने से क्या होगा? वो कनेक्टेड है जनरेटर को, तो जनरेटर में जो मैग्नेट है वो रोटेट होगा। देन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होके क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। ऐसे विंड एनर्जी यूज करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट, सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। सो द एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस है यहाँ पे। तो ये फ्लो चार्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस दिखाया गया है। सी, सबसे फर्स्ट क्या दिया है? काइनेटिक एनर्जी इन विंड, देन काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन, देन इलेक्ट्रिक एनर्जी। पहला काइनेटिक एनर्जी विंड में होती है, देन वो काइनेटिक एनर्जी विंड थ्रू टर्बाइन में जाती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। सो सबसे फर्स्ट क्या किया है? विंड में काइनेटिक एनर्जी यूज किया है। तो ये विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन विंड क्या होता है? टर्बाइन रोटेट होने लगता है। तो टर्बाइन में क्या होता है? मूवमेंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी। टर्बाइन जब रोटेट होता है तो उसमें एक मूवमेंट आ जाती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो टर्बाइन रोटेट होने से क्या होता है? जो जनरेटर में जो मैग्नेट है वो रोटेट होने लगता है और उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो फर्स्ट विंड में काइनेटिक एनर्जी होती है जब विंड स्पीड से आती है, बहुत स्पीड से जब हवा आ जाती है तो उसमें एक मूवमेंट आती है और काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो वो क्या करती है? टर्बाइन को रोटेट करती है। टर्बाइन को जब रोटेट करती है तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ आ जाती है, कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? टर्बाइन में। काइनेटिक एनर्जी टर्बाइन में ट्रांसफर हो जाती है और विद द हेल्प ऑफ
जनरेटर, ओके। मैग्नेट में क्या होता है, जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेट होता है, ओके। तो वो क्या करता है, रोटेट होने लगता है विद द हेल्प ऑफ टर्बाइन, और उससे क्या होता है, फाइनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट इज विंड टर्बाइन विथ कैपेसिटी राइट फ्रॉम लेस देन 1 kW टू अबाउट 7 MW, 7000 kW आर कमर्शियली अवेलेबल। सी, हवा एयर की वेलोसिटी क्या है वो देख के उसके हिसाब से हम टर्बाइन बिठा सकते हैं। तो कहाँ से मिलता है, लेस देन 1 kW से लेकर अबाउट 7 MW के कमर्शियल हमको विंड टर्बाइन अवेलेबल होते हैं। मार्केट में वो हम बिठा सकते हैं, घर पे भी बिठा सकते हैं और कमर्शियली भी बिठा सकते हैं। घर पे छोटा होता है लेकिन टर्बाइन। डिपेंडिंग ऑन द विंड वेलोसिटी अवेलेबल एट द साइट ऑफ इंस्टॉलेशन, विंड टर्बाइन विद स्पेसिफिक कैपेसिटी सिलेक्टेड। तो क्या देखा जाता है, सबसे पहले विंड बिठाने के लिए विंड वेलोसिटी मींस विंड की स्पीड कितनी है। ज़्यादातर सी साइड पे और माउंटेन के साइड पे विंड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज वहाँ जोर से एयर आती है, जोर से हवा आती है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस विंड टर्बाइन उतने कैपेसिटी के बिठाते हैं। जहाँ ज़्यादा वेलोसिटी है विंड की, वहाँ ज़्यादा कैपेसिटी वाला टर्बाइन बिठाते हैं, और जहाँ पे कम वेलोसिटी है विंड की, वहाँ पे कम वेलोसिटी वाला विंड टर्बाइन बिठाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे, डिफरेंट डिफरेंट साइड पे विंड की वेलोसिटी चेक करके विंड टर्बाइन बिठाया जाता है डिफरेंट कैपेसिटी वाला। जहाँ पे ज़्यादा वेलोसिटी है विंड की, वहाँ पे ज़्यादा वाला, ज़्यादा कैपेसिटी वाला टर्बाइन बिठाते हैं। जहाँ पे कम वेलोसिटी है विंड की, वहाँ पे कम वेलोसिटी वाला टर्बाइन बिठाते हैं, ओके। आफ्टर दैट देखो, द विंड वेलोसिटी एट स्पेसिफिक लोकेशन डिपेंड ऑन मेनी ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो डिफरेंट ज्योग्राफिकल फैक्टर है, सी साइड है, माउंटेन साइड है, तो उसके ऊपर, ओके, यू कैन ऑब्जर्व, ओके। फर्स्ट देखो, सी साइड पे है वो विंड मिल, देन देखो माउंटेन में भी लगाया है, ओके। तो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि विंड की वेलोसिटी क्या है। यू नो कि सी साइड के पास या फिर हाई माउंटेन के पास क्या होता है, ज़्यादा जोर से हवा जाती है, विंड की वेलोसिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो वहाँ विंड की वेलोसिटी क्या कितना होगी, बहुत ज़्यादा होगी। वहाँ जोर से हवा आती है तो विंड की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा कैपेसिटी वाला टर्बाइन बिठाते हैं, ओके। देन नेक्स्ट, विंड वेलोसिटी इज यूजुअली हाई ऑन सी शोर एंड दैट एनवायरमेंट इज एप्रोप्रिएट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ विंड टर्बाइन। सी शोर के साइड पे हवा ज़्यादा तेज होती है। सी शोर मीन्स समुंदर की साइड, ओके। समुंदर किनारा जो होता है वहाँ पे ज़्यादा तेज हवा होती है, विंड की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ओके। सो वो एनवायरमेंट विंड टर्बाइन बिठाने के लिए बहुत अच्छा होता है, एप्रोप्रिएट होता है। सी साइड और बिग बिग माउंटेन के साइड पे विंड टर्बाइन बिठाने के लिए बहुत अच्छा होता है, एप्रोप्रिएट होता है। व्हाई? बिकॉज वहाँ पे विंड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ओके। देन विंड एनर्जी इज अ क्लियर एनर्जी सोर्स। तो सी, विंड एनर्जी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इससे एयर पोल्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं होता है, ओके। एयर पोल्यूशन नहीं, साउंड पोल्यूशन नहीं, कुछ भी पोल्यूशन नहीं होता है। उसका कुछ वेस्ट भी नहीं होता है, जैसे न्यूक्लियर वेस्ट है वैसा कुछ भी नहीं है, ओके। तो ये क्या है, एक क्लीन एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज अ क्लियर एनर्जी सोर्स, ओके। सो विंड एनर्जी इज अ क्लियर एनर्जी सोर्स, ओके। So, however, the wind velocity necessary for wind energy generation is not available everywhere. See, wind की जो velocity, जो हवा की तेज जो होती है, तेज हवा जो लगती है, वो सभी everywhere होती है क्या? Everywhere available नहीं होती है, सभी जगह पर everywhere available नहीं होती है उतनी तेज हवा। Suppose आपको सिटी में बिठाना है, तो सिटी में इतना ज़्यादा हवा होती है क्या? नहीं होती। तो ये क्या है, इसका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। तो तेज हवा है वो सभी जगह पर एक जैसी नहीं होती है, ओके। किधर भी आती है क्या बहुत स्पीड से हवा, आपने देखा है क्या? नहीं, सभी जगह पर एक जैसी हवा नहीं होती है। सी साइड और माउंटेन साइड पे ज़्यादा वेलोसिटी से हवा आ जाती है, ओके। सो इन दैट सेंस यूज ऑफ विंड एनर्जी इज लिमिटेड। अगर हम ये देखते हैं विंड का जो वेलोसिटी, तेज हवा स्पीड देखते हैं, तो इसके मुकाबले हम कंपेयर करेंगे तो विंड एनर्जी क्या है, बहुत लिमिटेड है, बिकॉज वो सभी जगह पर यूज़ नहीं कर सकते, ओके।
So wind energy is that limited. Okay, use of wind energy is a limited. Now next, wind turbine of different capacity. Okay, ये तीन wind turbine दिख रहे हैं, ये क्या है? Different different capacity के है. Okay, आपको एक image दिया है. See, घर के पास जो होता है, होम लिखा है देखो यहाँ पे, घर के पास जो होता है एक स्मॉल विंड टर्बाइन दिख रहा है इमेज में, इसकी कैपेसिटी कितनी है देखो, 2 kW है. और उसका ब्लेड का लेंथ देखो, ब्लेड लेंथ कितना है, 1.5 m. ओके, मींस यहाँ पे विंड टर्बाइन नियर द हाउस छोटा बिठाया जाता है. ओके, ब्लेड मीन्स ये जो तीन देख रहे फैन जैसे, ओके ब्लेड जैसे 1, 2, 3 दिख रहे, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लेड, उसको पाती बोलते हैं. ओके, तो होम में देखा विंड टर्बाइन छोटा बिठाया जाता है जिसकी कैपेसिटी 2 kW है और उसका ब्लेड लेंथ कितना है, 1.5 m. ओके, नाउ विंड फार्म. ओके, विंड फार्म मीन्स व्हाट, क्या होता है विंड फार्म? एक फॉर्म होता है विंड का, दैट इज कॉल्ड एज अ विंड फार्म. उसमें कितना कैपेसिटी का विंड टर्बाइन बिठाते हैं, 200 नहीं, कितना है, 2000 kW. ओके, और जो ब्लेड्स का लेंथ होता है वो कितना है देखो, 50 m. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो, ऑफशोर विंड टर्बाइन. ओके, ऑफशोर मींस व्हाट? सी साइड पे या फिर इनसाइड द सी, समुंदर के अंदर विंड टर्बाइन बिठाते हैं. उधर विंड टर्बाइन की कैपेसिटी देखो कितनी है, 6000 to 7000 kW. ओके, और क्या है, सी 1000 kW इज इक्वल टू 1 MW होता है. ओके, सो यहाँ पे देखो 6000 to 7000 kW उसका है कैपेसिटी, और 1 MW में कितना किलोवाट होता है, 1000 kW. तो समुंदर किनारे या फिर समुंदर में जो लगा जाता है विंड टर्बाइन, ये बहुत बड़ा होता है, उसके ब्लेड्स की लेंथ कितनी होती है, 1000 m, 1000 m, और कैपेसिटी 6000 to 7000 kW होती है. सो घर पे जो विंड टर्बाइन बिठाते हैं उसका कैपेसिटी 2 kW एंड ब्लेड लेंथ 1.5 m. ओके, विंड फार्म में देखो उसका कैपेसिटी उसकी कैपेसिटी कितना है, 2000 kW, ब्लेड लेंथ 50 m. और ऑफशोर विंड टर्बाइन का कैपेसिटी मतलब सी साइड पे 6000 to 7000 kW, ब्लेड लेंथ इज 100 m. ओके, सो थैंक यू.